बात करते हैं सीहोर की, जहां वन विभाग की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जहां अवैध रूप से वन भूमि पर कार्य करते ट्रैक्टर एवं कल्टीवेटर सहित चालक को लाड़कुई वन विभाग ने गिरफ्तार कर लिया है। परिक्षेत्र किशनपुर इलाके में से वन भूमि पर अवैध से अतिक्रमण कार्य रहा ट्रैक्टर एवं कल्टीवेटर वन विभाग की टीम ने कार्यवाही करते हुए जब्त कर लिया गया है। ट्रैक्टर एवं कल्टीवेटर की कीमत लगभग 5.5 लाख रुपए से भी अधिक बताई जा रही है। वन विभाग द्वारा 3 दिनों से लगातार कार्यवाही की जा रही है। वन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है, जिसमें मोटरसाइकिल एवं अवैध रूप से फर्नीचर की दुकान संचालित करने वाले व्यक्ति भी कार्यवाही की गई है। सागवान की सिल्ली बेचने वाले के खिलाफ वन विभाग सख्त नजर आ रहा है। कटर मशीन सहित 6.5 लाख से अधिक का माल जब्त किया गया है। सभी वाहनों को लाड़कुई रेंज में लाकर खड़ा किया गया है। रजसात की कार्यवाही की गई है। वहीं वन पर क्षेत्र अधिकारी नवनीत झा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस प्रकार की कार्यवाही लगातार आगे भी जारी रहेगी। विराट 24 के लिए सीहोर से पवन माहेश्वरी की रिपोर्ट। मानसून गश्ती दल द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ लगातार लाड़कुई क्षेत्र में अभियान चलाया जा रहा है। आज सुबह 5 बजे के समय गश्ती दल को सूचना मिली कि बीट किशनपुर के PF 443 में एक ट्रैक्टर द्वारा वन भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण का प्रयास किया जा रहा है। हमारा गश्ती दल वहां पर पहुंचता है और वन भूमि पर अवैध रूप से कल्टीवेटर सहित ट्रैक्टर को चलता हुआ पाया जाता है। मौके पर डिप्टी साहब KL त्रिपाली के द्वारा कार्रवाई की जाती है और ट्रैक्टर को पकड़ करके अपराधियों सहित रेंज प्रांगण में लेकर के आया जाता है। और जो पूर्व में इसमें कार्रवाई की गई है, विगत 3 दिनों में वन विभाग के द्वारा एक मोटरसाइकिल अवैध अशोक विश्वकर्मा नामक एक व्यक्ति के यहाँ अवैध रूप से संचालित फर्नीचर मार्ट पर भी कार्रवाई की गई, जिसमें 2 कटर मशीन सहित 16,000 के मूल्य की लकड़ियाँ जब्त की गई। मोटरसाइकिल में 20,000 रुपये के मूल्य की सिल्लियों को जब्त किया गया। साथ में गश्ती भ्रमण के दौरान 10 सिल्लियों को जब्त किया गया, जिनकी कीमत 35,000 रुपये है। ट्रैक्टर के मूल्य की कीमत 5,50,000 रुपये, कल्टीवेटर की कीमत 30,000 रुपये। इस तरह से विगत 3 दिनों में वन विभाग के द्वारा 6.5 लाख से अधिक मूल्य के वाहन एवं लकड़ियों को जब्त किया गया।